Tejas here. Welcome to my channel, Programming Classes. आज हम लोग C लैंग्वेज में एक और प्रोग्राम देखेंगे. प्रोग्राम जो है हम लोग का वो है प्रोग्राम टू ऐड फाइव नंबर. पांच नंबर को ऐड करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा आप लोग को. ये लग रहा होगा कि सर दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम तो आपने बनाया ही था, तो हम पांच नंबर इनपुट लेके हम एडिशन कर देंगे, आराम से प्रोग्राम बन जाएगा. हम इसमें कुछ बात आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग को वेरिएबल्स कम यूज करना चाहिए प्रोग्राम में. ठीक है, और इसका दूसरा लॉजिक भी बताएंगे. ठीक है, तो हम लोग समझते हैं. चलिए, एक तो आप लोग जैसे सोच रहे हैं कि सर पांच नंबर है तो हम पांच नंबर के लिए पांच वेरिएबल ले लेंगे, N1, N2, N3, N4, N5. ठीक है, पहला लॉजिक पर बात कर ले हम लोग, इट इज द फर्स्ट लॉजिक. ठीक है, पांच में इनपुट ले लेंगे स्कैनएफ के थ्रू. चलिए आराम से ले लेंगे 5, 10, 2, 3, 8. ठीक है, और एक वेरिएबल एस ले लेंगे सर और लिख देंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, और एस का वैल्यू हम प्रिंट करवा देंगे. ठीक है, ये तो आपको लग रहा होगा और जनरली सब यही सोचते हैं. ठीक है, लेकिन आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा. अगर मान लीजिए कि पांचों वेरिएबल जो है, ठीक है, पांच और एक छह, एस भी एक वेरिएबल हुआ. ठीक है, तो पांच छह वेरिएबल आपने प्रोग्राम में यूज किया. ठीक है, तो प्रोग्राम में छह वेरिएबल यूज करने का मतलब आपको पता है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल कम से कम तो 2 बाइट स्पेस लेगा. क्लियर, तो 2 बाइट लिया, तो मान लीजिए ये पांचों वेरिएबल जो है इन टाइप का, एस भी किस टाइप का है, इन टाइप का, मतलब छह वेरिएबल किस टाइप का है, इन टाइप का है. तो टोटल कितना हो गया, 6 × 2 मतलब 12 बाइट आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एक सिंपल पांच नंबर जोड़ने के प्रोग्राम में. समझ में आ रहा है? चलिए, ये सिंपल हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट सही आएगा. लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग अच्छा करना चाह रहे हो और मेमोरी स्पेस सेव करना चाह रहे हो तो लॉजिक आप चेंज भी तो कर सकते हैं ना. चलिए, तो हम लोग इसका दूसरे लॉजिक पे बात करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लिया जाए, इसको हम हटा दे रहे हैं, चलो इसको रहने देते हैं. दूसरा लॉजिक हम यहाँ पे बात करते हैं. दूसरा लॉजिक में हम लोग पहले लॉजिक को समझिए थोड़ा. देखिए, एक चीज सुनिए, जैसे मान लीजिए जोड़ना मतलब क्या होता है, जोड़ना मतलब कलेक्ट करना, कलेक्शन. ठीक है, जैसे हम लोग घर में पैसा जमा करते हैं किसी कंटेनर के अंदर. ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास पांच अलग अलग पैसा है, ठीक है, तो अलग अलग उसको कंटेनर में डालेंगे तो वैल्यू क्या अलग होगा, एक ही में डालेंगे तो वैल्यू अलग होगा, नहीं ना, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा ना. बात समझे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक कंटेनर आपने लिया क्या, N1, 5, 5 + 10, 15, 15 + 2, 17, 17 + 3, 20, 20 + 8, 28. ठीक है, तो टोटल वैल्यू एस में कितना आ रहा है, 28. लेकिन सभी वैल्यू को आपने अलग अलग कंटेनर में डाला है. बात समझे? लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर ले कि हम एक ही कंटेनर ले, ठीक है, जैसे हम लोग घर में पैसा जमा करते हैं, एक बार इसमें 5 डाल दें, ठीक है, 5 डालने के बाद फिर एक बार 10 डाल देंगे, तो आपको कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये करेंगे तो हम एक ही कंटेनर लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू मेरे पास सेम आएगा ना. क्लियर है? वैल्यू तो दोनों का सेम ही आएगा, आंसर तो 28 ही आना चाहिए. तो हम लोग कंटेनर कम ले, यहाँ पे जो 6 कंटेनर लिखे हैं, 5 वो नंबर रखने के लिए और एक जिसमें आप टोटल का सम कर रहे हैं, जैसे लाइक इसमें हम टोटल सम मेरा कितना है, 28. तो हम एक ही में अगर सम करें तो क्या प्रॉब्लम है, सारा सम का वैल्यू एक ही में आए. ठीक है, तो इससे आप कंटेनर भी बचा सकते हैं, वेरिएबल्स बचा सकते हैं प्रोग्राम में. ठीक है, चलिए, तो ये कैसे होगा सर, इसका लॉजिक पहले समझिए. देखिए, चलिए हम ऐसा करते हैं, एक नंबर के लिए एम रख लेते हैं और एक एस रख लेते हैं. एस वो कंटेनर, लॉजिक समझिएगा, एस वो कंटेनर जो मुझे, जिसमें हमें पैसा अपना जमा करना है. ठीक है, बात समझे? जस्ट लाइक एक डब्बा, ठीक है, जहां पर हम पैसा जमा करते हैं. ठीक है, और एस का वैल्यू शुरू में कितना रख लिए, 0. कितना रख लेते हैं, 0. और एन वो आदमी जो मुझे पैसा देता है और हम उसे डब्बा में अपना डालते रहते हैं, एस में डालते रहेंगे, जिससे मेरा एस का वैल्यू बढ़ते रहेगा. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बार एन में हमने इनपुट लिया, चलिए यही वैल्यू लेते हैं, कितना इनपुट लिया, 5. ठीक, 5 लिया, 5 को हम एस में डाल दें. ठीक है,
ठीक है, अब कैसे डालेंगे देखो, तो पैसे कैसे जमा करते, जैसे पहले से मेरे पास डब्बा में जीरो है, इसमें कितना है जीरो, और देख और मुझे एन का वैल्यू मुझे क्या करना है, एन का वैल्यू मुझे मिला है, ठीक है, अब समझे यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, जितना एस है पहले ऐसे जोड़ते हैं, डब्बा में जितना पैसा है वो और नया वाला पैसा मिला है वो, एस प्लस एन, तो यहाँ जीरो और एन का वैल्यू कितना फाइव, ठीक है, और इसका वैल्यू को हम उसी डब्बा में डाल दें, एस में ही डाल दें, ठीक है, तो जीरो प्लस फाइव कितना होगा फाइव, ना किसमें डाल दी एस में, तो आपको पता है जैसे ही नया वैल्यू वेरिएबल में आएगा पहले वाला क्या हो जाएगा हट जाएगा ना, तो यहाँ जीरो हट के कितना आ गया फाइव आ गया, देख रहे हैं, ठीक है, एक बात कर ली, अब मुझे इस एन का जो वैल्यू इसका कोई यूज है नहीं ना, तो फिर इसी वेरिएबल में क्यों ना हम दोबारा इनपुट मांग ले, अलग से हम वेरिएबल इन टू क्यों लिए, वो दोबारा इनपुट मांग सकते हैं ना, क्योंकि अब इसका एन का यूज नहीं, क्योंकि एन का जो वैल्यू हमको यूज करना था उसको हम एस में रख लिए, चलिए अगले बार हमको एन में इनपुट कर लिए कितना टेन, ठीक है, और फिर से हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, अब एस में कितना है फाइव, ठीक है, एन में नया कितना वैल्यू आया है टेन, दोनों को जोड़ के एस में डाल दिए, तो फाइव प्लस टेन कितना, ठीक है ना, फाइव प्लस टेन कितना हो गया फिफ्टीन, किस में डाले एस में, एस में फिर से ये फाइव हट के कितना आ गया फिफ्टीन आ गया, देख रहे हैं आप क्लियर है, फिर से नया वैल्यू हमने इनपुट कर लिया यहाँ कितना टू, फिर से हम लिख दें एस इक्वल टू एस प्लस एन, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एस में अब कितना है पहले से 15, ठीक है, और एन में कितना आया है दो है, 15 और 2 17, एस में कितना आ जाएगा 17, यहाँ कितना आ गया 17, तीन वैल्यू को जोड़ दिया ना, देखिए तू आप यहाँ पे अगला वैल्यू हमने 3 डाला, एस इक्वल टू एस प्लस एन, ठीक है, 15 प्लस 3 17 प्लस 3 क्योंकि एस में अब कितना है 17 प्लस 3 20, यहाँ कितना आ गया 20, अगला वैल्यू हमने 8 डाला, फिर लिखें एस इक्वल टू एस प्लस एन, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं s इक्वल टू s प्लस एन लिखेंगे तो s में कितना है 20 प्लस 8 28, s में कितना आ गया 28, देखिए तो पांच नंबर का सम मेरे पास 28 आया ना, हम अलग अलग कंटेनर में भी रखें और एक ही कंटेनर में रखें, वैल्यू मेरा क्या है सेम है, और यहाँ पे मात्र हम 4 बाइट वेरिएबल का स्पेस ऑक्यूपाई किया, आउटपुट भी मेरा सेम है और आपने 12 बाइट ऑक्यूपाई किया, समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर है, तो ये चीज को आप समझिए यहाँ पे कि किस तरह से काम कर रहा है, तो कम वेरिएबल यूज किया कीजिए, कंसेप्ट लगाइए किस तरह से काम करेगा, समझे, ये जरूरी होता है, ठीक है, ठीक, चलिए फिर हम लोग ये दोनों लॉजिक का प्रोग्राम लिख देते हैं, आपको जो लॉजिक अच्छा लगे वो यूज कीजिए, लेकिन हम क्या कहेंगे कि जिसमें कम वेरिएबल यूज हो रहा है उसको यूज करना है, ठीक है, हम दोनों लॉजिक का हम बारी बारी से प्रोग्राम लिख दे रहे हैं, ये तो आप समझ रहे हैं किस तरह से लेंगे, तो वो दीजिए, ठीक है, और इसका भी हम लॉजिक लिख रहे हैं, लॉजिक तो हम समझाई दिए, बस इंस्ट्रक्शंस में लिखना है सिंपल, इनपुट कैसे होता है स्कैन, क्योंकि लॉजिक मेन तो मेरा यही है, ठीक है, यही मेरा मेन लॉजिक है, क्लियर, तो इनपुट जान ही रहा है स्कैन एप से होगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए चलिए यहाँ पे सिंपल सा चीज अगर बात करें, सबसे पहला लॉजिक लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे stdio.h और इंक्लूड कर लिए conio.h, ठीक है, void main, और यहां पे हम पांच वेरिएबल ले लेते हैं n1 n2 n3 n4 n5 और एक s, हम वेरिएबल देख रहे हैं सारा इंटीजर टाइप का ही लिए हैं, स्क्रीन क्लियर करना है तो आप clrscr लगा लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं printf इंटर फाइव नंबर, ठीक है, scanf परसेंटी, आपको 5% लगाना होगा क्योंकि पांच वेरिएबल में इनपुट लेना है, परसेंटी एड्रेस ऑफ n1 एड्रेस ऑफ n2 एड्रेस ऑफ n3 n4 और एड्रेस ऑफ n5, ठीक है, पांचों पे इनपुट ले लेंगे, और फिर आपके पास s है जोड़ लेते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 n4 प्लस n5, ठीक है, इसका वैल्यू को प्रिंट करा ले, लिख लेते हैं यहाँ पे printf सम इक्वल टू %d/ns, ठीक है, देन गेट ch, ये सिंपल लॉजिक जो जनरली सब लोग बनाते हैं, पांच नंबर इनपुट लेके सम कर लेना, ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, सिर्फ हमने वेरिएबल, छह वेरिएबल लिया, पांच वेरिएबल में इनपुट लिया। अब सब इसमें तो कुछ समझना है ही नहीं ज़्यादा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। ये हुआ आपका मतलब छह वेरिएबल यूज करके पांच नंबर का क्या करना, सम करना, ठीक है। और अब जो हम बना रहे हैं दूसरा प्रोग्राम, जैसे हम दो वेरिएबल यूज करेंगे और हम पांच नंबर का क्या, जितने बार आप इनपुट लेना चाहें उतने बार कर सकते हैं, छह नंबर दस नंबर काफी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ एक बात याद रखना, क्योंकि हम लोग अभी सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम में है और सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम में कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक बार ही पढ़ता है। तो अगर एक इंस्ट्रक्शन को बार बार अगर कंप्यूटर से पढ़वाना है तो आपके पास अभी तक एक ही उपाय है कि उसे बार बार लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में, समझे, क्लियर है। चलिए ये चीज हम आपको प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको समझाएंगे कि किस तरह से हमको बार बार लिखने की जरूरत पड़ रहा है एक ही स्टेटमेंट को। चलिए देखिए यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं जो नेक्स्ट लॉजिक जो हम बताए थे, हम इस लॉजिक में क्या किए थे कि दो वेरिएबल लिए, एक एन और एस, एस का वैल्यू शुरू में कितना रख लिए, जीरो, ठीक है, सी एल आर एस सी आर, ठीक है। हम आपको हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग में, हम जब सबसे पहले प्रोग्राम बताने से पहले लॉजिक डिस्कस करते हैं, तो अगर कोड समझ में ना ना आए, ठीक है, तो लॉजिक को समझिए, ये इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोग्रामर का, समझे, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है एक प्रोग्रामर के लिए। मेरा एक सजेशन है कि लॉजिक पे फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट इफ इंटर फाइव नंबर, एक कंसोल पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्कैन इफ, ठीक है, परसेंट डी एड्रेस ऑफ इन, हमने एक बार स्कैन इफ लगाया, समझे, और एक परसेंट डी, एक बार, एक ही बार वैल्यू इनपुट लिया, लिए ना। अब जो वैल्यू इनपुट लिए ना, इसको क्यों ना एस में डाल दे पहले, तब जाके हम दूसरा काम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, एस इक्वल टू एस प्लस एन, आपको समझाएं इसका मतलब क्या हुआ कि एस में जितना वैल्यू है वो नया वैल्यू जो एन में इनपुट हुआ है वो दोनों को जोड़ के एस में ही डाल देना है, एस का वैल्यू इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। चलिए फिर से हम क्या लगा दें, स्कैन एफ, अगला वैल्यू फिर से इनपुट हो जाएगा एड्रेस ऑफ एन, फिर लिखे एस इक्वल टू एस प्लस एन, ठीक, देन स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एन एस इक्वल टू एस प्लस एन, फिर से हमने लगाया स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एन एस इक्वल टू एस प्लस एन, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं एक और मुझे करना होगा, स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एन एस इक्वल टू एस प्लस एन, ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए और लास्ट में आपको प्रिंट करा लेना है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं एस का वैल्यू, प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन एस, ठीक है, और देन गेट सी एच, देखिए क्लियर है। अब यहां पे समझिए किस तरह से मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, आप यहां पे देख सकते हो, यहां से शुरू करो, स्कैन एफ एस इक्वल टू एस प्लस एन, स्कैन एफ एस इक्वल टू एस प्लस एन, स्कैन एफ एस इक्वल टू एस प्लस एन, यहां भी, यहां भी, कितने बार हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव, कोई कितना नंबर इनपुट आता, पांच। आप ये नोटिस करो कि पांचों बार हमने सेम इंस्ट्रक्शंस लिखा है, क्यों, क्योंकि मेरा प्रोग्राम क्या था, सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्राम है, क्लियर है, और एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर एक ही बार पढ़ता है, तो पांच बार मुझे सेम इंस्ट्रक्शंस को पढ़वाना था तो मुझे पांच बार वो लिखना पड़ा, ठीक है। चलिए और अगर यही लूप होता ना, समझे, तो सिर्फ ये दो स्टेटमेंट को हम लूप के अंदर डाल देते जो फाइव टाइम एग्जीक्यूट करते रहता है, रिपीट करते रहता, ठीक है। अभी लूपिंग हम लोग पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसी क्वेश्चन को आपको हम कन्वर्ट करके कर दिखाएंगे आपको लूपिंग में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, एक एन है और एक एस है, ठीक है, मेमोरी में कहीं भी स्पेस लिया होगा, ठीक है ना, और ये आपका आउटपुट स्क्रीन, प्रोग्राम जब रन कराएंगे तो आउटपुट स्क्रीन अपीयर होगा, आउटपुट स्क्रीन अपीयर होगा तो इंस्ट्रक्शंस यहां से पढ़ना शुरू किया, दैट इज द सी एल आर एस सी आर, ठीक है। चलिए और यहाँ पे आप याद रखिएगा एस का वैल्यू जीरो, तो इसको भी कंप्यूटर पढ़ेगा क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है, तो एस का वैल्यू पहले कितना डालेगा, जीरो, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ आया, स्क्रीन क्लियर है तो आउटपुट स्क्रीन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन प्रिंट क्या करेगा, इंटर फाइव नंबर, जो मैसेज हो प्रिंट कर देगा,
चलिए देन स्कैन है परसेंट डी एड्रेस ऑफ इन, आपने इनपुट किया मान लीजिए 5, इंटर की प्रेस किया, इन में कितना जाकर स्टोर हो गया 5 ना, इन में कितना जाकर स्टोर हुआ 5। चलिए यहां तक हो गया काम, इसको पढ़ा एस इक्वल टू एस प्लस एन, एस में कितना है 0, इन में कितना है 5, 0 प्लस 5 कितना 5, तो 0 हट के कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर स्कैनएफ मिला, ठीक है, फिर आपको इनपुट करना है ऑफकोर्स, तो आपने फिर से इनपुट किया, आपने इनपुट किया मान लीजिए 10, ठीक 10 इनपुट किया एस इक्वल टू एस प्लस एन, तो यहाँ 5 प्लस एन में एन 5 एन में कितना गया 10, तो 5 प्लस 10 कितना 15, यहाँ कितना आ गया 15, क्लियर। फिर इसको पढ़ा स्कैनएफ, फिर से आपने इनपुट किया मान लीजिए 2 इनपुट किया, इंटर की प्रेस किए, ठीक है, फिर एस इक्वल टू एस प्लस एन, एन में आपके पास 2 गया और 5 प्लस 15 प्लस 2 कितना 70, क्लियर है। चलिए यहाँ तक आपका काम हो गया, देन फिर से आपने इनपुट किया, आपने इनपुट किया 8, क्लियर है, तो यहाँ कितना आ गया समझे, तो यहाँ पे 8 इनपुट किया, यहाँ पे एन में आ गया कितना 8, क्लियर है। फिर यहाँ पे एस इक्वल टू एस प्लस एन, तो यहाँ पे आप देखिए 17 प्लस 8 कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 25। देन फिर से आपके पास स्कैन है परसेंट एड्रेस ऑफ एन, आपने फिर से आपने इनपुट किया मान लीजिए यहाँ पे 5 इनपुट फिर से किया, एन में आपका कितना गया 5, देन एस इक्वल टू एस प्लस एन 25 प्लस 5 कहीं था 25, एन में कितना है 5, 25 प्लस 5 कितना 30, यहाँ कितना आ गया 30, क्लियर है। और देन यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा सम इक्वल टू 25, ओके सॉरी सम इक्वल टू 30, क्योंकि एस का वैल्यू कितना, एस का वैल्यू प्रिंट कराया ना, तो एस का वैल्यू कितना है 30, क्लियर है। फिर आपका गेट स्विच है, समझ आ रहा है, तो किस तरह से काम कर रहा है, आपको आउटपुट भी सेम आया। हाँ, आपको ये लग रहा होगा सर आपने इंस्ट्रक्शंस तो ज़्यादा लिखा, एक चीज़ जान जाइए इंस्ट्रक्शंस के भी मैं स्पेस लेगा, वो तो सिंपल एक वर्ड है ना, वो स्पेस नहीं लेता, स्पेस कौन लेता है, तो स्पेस आपका लेगा प्रोग्राम का वेरिएबल, क्लियर है। तो वेरिएबल्स कम करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, वेरिएबल्स कम कीजिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप तो अलग अलग वेरिएबल्स एक सिंपल प्रोग्राम के लिए 12 बाइट यूज करें, ये जरूरी नहीं है, क्लियर है। आइए स्टेटमेंट में लिखे, आप प्रोग्राम को रन कराओ सेम उस प्रोग्राम को जो हम पहले लिखे हैं, दोनों का आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कितना बाइट बचा लिया आपका, हमने 6 8 बाइट बचाया, मतलब हमने 4 बाइट में ही प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।